तो मेवात में बीजेपी से टिकट के दावेदार माने जा रहे चौधरी जाकिर हुसैन ने गांव रेवासन में लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री आफताब के राज में शहर में कोई विकास नहीं हुआ है, सिर्फ झूठे वादे किए गए थे। उन्होंने एक बार फिर से प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने का दावा भी किया। तीनों सीटें नहीं, पूरे हरियाणा में ही कमल का फूल खिलेगा। और ये भी इसी बात की चर्चा है कि कौन सी सीट बीजेपी हारेगी। ऐसी कोई भी सीट नहीं दिख रही कि जिसमें बीजेपी हार रही हो। बीजेपी इंशाल्लाह सब सीटों पर जीतेगी। और मेवात में मनोहर लाल जी ने तीनों विधायक विपक्ष के होते हुए भी इतना विकास किया है कि मेवात के लोग भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विजयी करके भेजेंगे।